चलिए आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या रहे आपकी स्ट्रेटजी और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या रहेंगे। उम्मीद तो यह है कि कल एक अच्छा सेशन देखने को मिलेगा क्योंकि भारतीय बाजार जिस तरह से दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुए वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि बुल्स वापस से कंट्रोल में आ रहे हैं। दूसरा कॉन्फिडेंस अमेरिका के फ्यूचर्स से भी आता दिखा, 70-75 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अमेरिका में आज मेक और ब्रेक बड़ा ट्रेडिंग सेशन है, वहां के संकेत काफी अहमियत वाले होंगे कल सुबह। तो पहले शुरुआत हम उन संकेतों के दम पर करने की कोशिश करेंगे, प्लस देखेंगे आज के सेशन में जो कुछ तेजी बनी है इसमें शॉर्ट कवरिंग एफआईज की हुई है, ट्रेडर्स की हुई है, फ्रेश खरीदारी हुई है, तो आज के डेटा काफी इंपॉर्टेंट होंगे। प्लस अगली सीरीज हफ्ते वाली जो शुरू होगी कल से उसमें किस तरह की पोजीशंस है वो देखकर हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ओवरऑल एक बात साफ है, बाजार मजबूती की तरफ बढ़ने को तैयार है और जो सपोर्ट रेंज है बाजार की वो इंटैक्ट है। सपोर्ट रेंज है 15,575 से 15,625, ये मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से टूटने वाला है नहीं। 15,800 के आसपास एक छोटी रुकावट है, उसको पार करने के बाद 100 पॉइंट की तेजी निफ्टी में और बनने की जगह बन जाती है। तो 15,875 15,900 तक जाने की कोशिश 15,800 के बाद हो सकती है, नया लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,800 34,900 कल सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 35,650 की रेंज तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश हो सकती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो कल दिख सकती है, हो सकता है अगर बाजार का मूड माहौल ठीक रहे तो फिर ऐसे में लीडरशिप तेजी की तरफ बैंक निफ्टी की आ सकती है। आज बैंकिंग शेयरों ने जो दम दिखाया वो एक दिन का नहीं है, शायद एक डेढ़ दिन और बैंकिंग शेयरों की लीडरशिप चले तो कल के सेशन में बैंकिंग शेयरों पर भी आपको फोकस करना है। प्लस आपको फोकस करना है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। दिन भर मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कॉन्फिडेंस कम था, तेजी कम दिखी, लेकिन आखिरी एक डेढ़ घंटे में सारे मिड कैप शेयर लगभग डे हाई पर बंद होते नजर आए, यानी कि कॉन्फिडेंस फिर से लौटता हुआ दिखा कल के लिए। तो कल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त एक्शन दिखेगा, वहां पर भी आपको फोकस करना चाहिए।